कोहिनूर जो मुंब्रा का सबसे बड़ा और पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जो पिछले 11 सालों से ट्रस्टवर्थी ब्रांड है। लाया है मुंब्रा का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, जहां मौजूद है सभी ब्रांड अंडर वन रूफ, वो भी शहर के बीचों बीच। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा। स्पेशल लोन ऑफर विथ जीरो डाउन पेमेंट, साथ ही पहले 200 कस्टमर के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक। कस्टमर की हैप्पी रिस्पांस को देखते हुए अब और भी पर्सनलाइज सर्विस के साथ कोहिनूर सेलिंग जॉयफुली। अब न्यू लोकेशन पर ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बाय डॉक्टर दादन क्लिनिक मुंब्रा कौसा। मैं श्यामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में उद्धव घट शिवसेना शाखा को शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने अपने ताबे में जब से लिया और वहां पर एक नया शिंदे गुट का शिवसेना शाखा बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुंब्रा की राजनीति जो है वो काफ़ी गर्म हो गई है और अब पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। मुंब्रा और कौसा और कलवा में जो है बैनर लगाए जा रहे हैं। इस समय हम कलवा में मौजूद हैं, आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर राजन कीने के तरफ से ये बैनर लगाया गया है, जिसमें बताया गया है कि संजय वाटोले चे पाप भाड़े तात्यावर दिली मुंब्रा शाखा। आपको बता दें नीचे भी जिक्र किया गया है कि मुंब्रा शाखे छे भाड़े उद्धव ठाकरे ना बंद झाल्यांचे दुख संजय वाटोले आना खुपत होते, यानी कि मुंब्रा में जो शाखा थी शिवसेना उद्धव गुट की, वहाँ से जो भाड़ा जाता था वो बंद होने की वजह से संजय राउत जिनको चिढ़ाने के लिए वाटोले शब्द का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। आपको बता दें इनको दुख हुई, उसके बाद यहाँ पर और भी आगे मराठी में लिखा गया है कि तेवे यानी मध्य रात्रि थानेचा पठ्यांचा कॉल, ये तो अब ये थाने के पट्ठे ने जो है कॉल किया। अब ये थाने का पट्ठा कौन है ये बहरहाल एक अलग बात है। इन्होंने जो थाने का पट्ठा जो इसमें लिखा गया है, इन्होंने शाखा को लेकर जो है संजय राउत को कॉल किया रात के समय और बताया कि किसी भी तरह से शाखा जो है बनने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी जिक्र किया गया है कि मुंब्रा तील मुसलमान से काम शाखेतुन हुईन लागले तर माझ्या बंगल्याचे वर कौन येणार है, यानी कि अगर मुंब्रा में शिंदे गुट शाखा बन गया तो वहाँ के मुसलमान वहाँ शाखा पर जाएंगे अपने काम को लेकर, तो इनके बंगले में ठाने में इनके बंगले पर कौन आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और आखिर ये बैनर वार जो है शुरू किया गया है, यहाँ पर आखिरी में आप देखेंगे कि क्योंकि हिसाब तो होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो शाखा थी उद्धव गुट की वहाँ पर जिस तरह से इसमें भाड़े लेने का जिक्र किया गया है और उसके बाद जो है कॉल करके थाने का पट्ठे का जिक्र किया गया, तो थाने का पट्ठा कौन है ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं पोस्टर वार शुरू हो गया है। ऐसे में 11 तारीख को 3 बजे उद्धव ठाकरे मुंब्रा में आने वाले हैं, उसको लेकर भी कलवा मुंब्रा के जो विधायक हैं जितेंद्र आवाड, वो उद्धव ठाकरे के स्वागत में कलवा से लेकर मुंब्रा तक बैनर लगाए हैं और 14 गांव के जो एनसीपी कार्यकर्ता हैं उन सभी लोगों को आह्वान किया गया है कि वो शिवसेना शाखा पर पहुँचे। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है, एक तरफ विधायक जितेंद्र आवाड जो है वो स्वागत कर रहे हैं उद्धव ठाकरे का शाखा पर पहुंचने के लिए, तो ऐसे में तमाम अटकलें लगाई जा रही है कि जो शाखा उद्धव ठाकरे की थी वो शाखा शिंदे गुट ने कब्जा किया। इसके बाद अब 11 तारीख को 3 बजे उद्धव ठाकरे मुंब्रा आने वाले हैं, ऐसी खबरें भी चल रही हैं। स्वागत के लिए जितेंद्र आवाड के तरफ से बैनर भी लगाया गया है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि उद्धव ठाकरे नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि उद्धव ठाकरे आएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जितेंद्र आवाड के लिए भी ये एक चुनौती बना हुआ है कि जिस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं कि क्या उद्धव ठाकरे मुंब्रा आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि ये भी एक जो है चुनौतीपूर्ण है, आएंगे या नहीं आएंगे। और ये भी माना जा रहा है कि अगर क्या उद्धव ठाकरे मुंब्रा आते हैं तो उनकी शाखा जो पहले थी जो अब शिंदे गुट ने कब्जा किया है, तो क्या उस शाखा को दोबारा उद्धव ठाकरे गुट कब्जा कर लेंगे, यानी दोबारा वो हासिल कर लेंगे उस शाखा को, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।